इस वीडियो फ्रेंड्स टीलिप के 7 अनोखे उपयोग बता रही हूँ, जिसका यूज करके आप कई ऐसे फायदे ले सकते हैं अपने प्लांट में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो फ्रेंड्स टी लीव्स पर है, जिसे हिंदी में चाय पत्ती भी बोलते हैं। ये टी लीव्स जब भी आप चाय बनाते हैं तो उस बेस्ट टी लीव्स को फेंकने के बजाय आप उसे अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखा लें तो ये टी लीव्स प्राप्त हो जाते हैं। आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं और अपने प्लांट में यूज कर सकते हैं। इसमें प्लांट के लिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो प्लांट के लिए जरूरी हैं। इस चाय पत्ती में एनपीके के भरपूर मात्रा पाई जाती है। एन यानी कि नाइट्रोजन, जो लॉट्स ऑफ ग्रीनरी प्रदान करते हैं। पी यानी कि फास्फोरस, जो फ्लावर प्रोड्यूस में मदद करते हैं। के यानी कि पोटासियम, जो प्लांट के लिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरी है। और वो सारे न्यूट्रिएंट्स इस बेस्ट चाय पत्ती में मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं और कई ऐसे फायदे हैं जो इस चाय पत्ती से हम ले सकते हैं। सबसे पहले फायदे की बात करें तो फ्रेंड्स, आप इसे प्लांट फूड के तौर पर यूज कर सकते हैं। इस चाय पत्ती में वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो प्लांट के लिए जरूरी होते हैं। तो किस तरह से यूज करना है, जब भी आप यूज करें तो यूज करने के पहले सॉइल की गुड़ाई कर ले। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से, और इस तरह से चाय पत्ती को लेकर आप डाल सकते हैं इस तरह से। इस चाय पत्ती का यूज आप 15 दिन में कर सकते हैं फर्टिलाइजर के तौर पर। अगर दूसरे फायदे की बात करें तो फ्रेंड्स, टी लीव्स का सीड जर्मिनेशन के समय यूज कर सकते हैं। कोई भी सीड आप ग्रो कर रहे हैं तो कुछ मात्रा में उसमें चाय पत्ती आप जरूर मिक्स करें, जिससे अनवांछित घास पात नहीं उगेंगे, बीट्स वगैरह से राहत मिलेगी। जिस गमले में बीट्स वगैरह उगते हैं तो वह सारे न्यूट्रिएंट्स घास पात अपने प्लांट को डेवलप करने में लगा देते हैं, जिससे जर्मिनेशन भी रुक जाते हैं और कभी कभी सीड जर्मिनेट भी नहीं हो पाते। तो कुछ मात्रा में आप जब भी आप सीड जर्मिनेट करते हैं तो कुछ मात्रा में चाय पत्ती को मिक्स करें, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, बीट्स वगैरह आपके गमले में नहीं उगेंगे। अगर तीसरे फायदे की बात करें तो फ्रेंड्स, चाय पत्ती का यूज आप मल्च के तौर पर कर सकते हैं। इस समय समर सीजन चल रहे हैं, अगर आप इसका यूज मल्चिंग के तौर पर करते हैं, कम से कम 3 से 4 इंच तक ऊपर से इसके सॉइल को कवर करके रखते हैं चाय पत्ती से, तो आपके प्लांट को हीट से बचाएंगे ही बचाएंगे, उसके साथ ही साथ इसके सॉइल में मॉइस्चर भी रहेंगी और आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहेंगे। तो आप इसका यूज मल्चिंग के तौर पर भी कर सकते हैं। अगर हम फोर्थ फायदे की बात करें तो फ्रेंड्स, चाय पत्ती पेस्ट इंसेक्ट से बचाने में भी सक्षम है। अगर आप इसका यूज अपने सॉइल में करते हैं तो कई ऐसे कीड़ों मकोड़े से आपके प्लांट को बचाएंगे। आप इसका यूज 15 दिन में कर सकते हैं या फिर 1 मंथ में भी कर सकते हैं। ये पेस्ट इंसेक्ट रेपिलेंट का भी काम करते हैं। तो इसका यूज आप जरूर करें अपने प्लांट। अगर हम पांचवें फायदे की बात करें तो फ्रेंड्स, ये एसिड लविंग प्लांट के लिए वरदान है। तो आप सोच रहे होंगे एसिड लविंग प्लांट है क्या। मैं ज्यादा नाम तो नहीं लूंगी, कुछ प्लांट के नाम बता दे रही हूँ, जैसे बोगनविलिया के प्लांट है,
गंधराज के प्लांट हैं, रोज प्लांट है, ऐसे और कई ऐसे प्लांट हैं, आप चाहे तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ये एसिड लविंग प्लांट के लिए एक तरह से फायदेमंद है। अगर आप इसका यूज मंथ में करते रहे तो आपके बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे, तो आप इसका यूज जरूर करिए। अगर सिक्स फायदे की बात करें तो फ्रेंड्स, ये रोज प्लांट के लिए रोज बूस्ट का काम करते हैं, यानी कि एक तरह से रोज प्लांट के लिए आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर इसका यूज कर सकते हैं, एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आप इसका यूज इंग्लिश रोज में भी कर सकते हैं, देसी रोज में भी कर सकते हैं। अगर आप 15 दिन में इसका यूज अपने रोज प्लांट में करते रहे तो बहुत ही अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इस चाय पत्ती, इस फ्री के फर्टिलाइजर का यूज आप जरूर करें। अगर हम सातवें फायदे की बात करें तो फ्रेंड्स, इस बेस्ट टी लीव्स का यूज करके एक बेहतरीन कंपोस्ट का रूप दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जैसे बर्मी कंपोस्ट है, आप एक पार्ट के करीब बर्मी कंपोस्ट ले लें, उसमें एक पार्ट के करीब आप बेस्ट टी लीव्स को मिला सकते हैं, या फिर एक पार्ट के करीब आप काउडंक ले लें, उसमें एक पार्ट के करीब आप बेस्ट टी लीव्स को मिला सकते हैं, यानी कि दोनों को मिलाकर आप एक एक तरह से प्लांट के लिए एक तरह से आप वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाती है इन दोनों को मिक्स करने से। तो इसका यूज आप एक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बेस्ट टी लीव्स को आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें और अपने प्लांट को हेल्दी और स्वस्थ रखें।